हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप बाइसेप की बिगेस्ट मिस्टेक को अवॉइड करके कैसे एक बड़े आर्म्स को पा सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसके साथ दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमारी मिस्टेक नंबर वन की, जो है नॉट हैविंग अ प्रॉपर न्यूट्रिशन। एक प्रॉपर न्यूट्रिशन जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर को इंक्लूड करती है, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन से ही आपके टूटे हुए मसल फाइबर्स रिपेयर होते हैं जिनको आप वर्कआउट के बाद ब्रेक करते हो। क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी डाइट 70% है और आपका वर्कआउट 30% रोल प्ले करता है आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस को फास्ट करने में। तो 70% और 30% में आप कितना डिफरेंस है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। और ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि आपके मसल पानी होल्ड करते हैं और उससे आपका मसल का साइज़ ग्रो होता है। तो बात करते हैं मिस्टेक नंबर टू की, जो है गलत फॉर्म और गलत टेक्निक को फॉलो करना। ये एक मेन रीज़न है जिसके कारण आपके मसल ग्रो नहीं होते, क्योंकि अगर आपकी फॉर्म और टेक्निक गलत है तो लोड गलत मसल पर आ जाता है। इसलिए आपका फोकस हमेशा आपकी एक्सरसाइज पर होना चाहिए। एक्सरसाइज के ऊपर आपका फोकस ना होने से लोड गलत मसल पर आ जाता है। इसलिए आपको स्लोली वेट ऊपर लाना है और स्लोली नीचे, ताकि आपका मसल पर टेंशन बना रहे, ताकि वो ब्रेक हो और वो ग्रो हो। इसलिए आपका एक सॉलिड मसल एंड माइक कनेक्शन होना ज़रूरी है मसल के साथ, ताकि वर्कआउट के दौरान आपको रियल पंप और फास्ट रिजल्ट मिले। आपने अक्सर बड़े बड़े एथलीट्स और बॉडी बिल्डर को देखा होगा जो वर्कआउट के दौरान अपनी बॉडी को आगे पीछे मूव करते हैं और आपको लगता होगा कि वो गलत टेक्निक और गलत फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। जी नहीं, उनका माइंड एंड कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उनका माइंड एंड मसल कनेक्शन 200 लेवल पर होता है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ आता है। इसलिए आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंड एंड मसल कनेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक की पॉइंट है मसल को ग्रो करने के लिए। तो बात करते हैं हमारे मिस्टेक नंबर थ्री की, वो है चूज़ द राइट वेट। वर्कआउट के दौरान एक ऐसा वेट सेलेक्ट करें जिससे आप 10 से 12 रैप आराम से निकाल लें और लोड भी सही मसल पर आए। क्योंकि अगर आप ओवरलोड वेट लिफ्ट कर रहे हो तो लोड गलत मसल पर और जॉइंट्स पर आ जाता है, जो कि इंजरीज का कॉज भी बन सकती है। इसलिए दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वेट ज़्यादा सेलेक्ट ना करें जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकता है। डोंट बी या ईगो लिफ्टर, वेट ऐसा सेलेक्ट करें जिससे आप 10 से 12 रैप आराम से निकाल लें। तो बात करते हैं मिस्टेक नंबर फोर की, वो है नॉट ट्रेनिंग एवरी मसल पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये एक बहुत ही कॉमन और बड़ी मिस्टेक है जो लोग जिम में करते हैं बड़े आर्म्स को पाने के लिए, वो है कि वो अपने बाइसेप के साथ साथ अपने ट्राइसेप को ट्रेन नहीं करते। जैसे ही आपके बाइसेप में लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और ब्रैकियाई मसल होते हैं, उसी तरह ट्राइसेप में भी मसल होते हैं जिनको ट्रेन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही बाइसेप मसल को। क्योंकि आपके ट्राइसेप आपके आर्म्स के 70% हिस्से को कवर करते हैं और बाइसेप 30% हिस्से को। इसलिए बाइसेप के साथ साथ ट्राइसेप को मसल को भी ज़रूर ट्रेन करें। आपको आर्म्स के मसल के साथ साथ ट्राइसेप को भी ट्रेन करना होगा। आपको ये सिर्फ बाइसेप आर्म्स के साथ नहीं करना, आप बॉडी का कोई भी मसल पार्ट ट्रेन करें उसके साथ उनके हर एक मसल पार्ट को ट्रेन करें, ताकि आपका बॉडी का हर एक मसल पार्ट प्रॉपर तरीके से ग्रो हो। फिर चाहे वो शोल्डर्स हो, चेस्ट हो, आर्म्स हो, या ही लेग्स हो, कोई भी मसल हो, ट्रेन एवरी मसल पार्ट ऑफ योर बॉडी, ताकि आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस कई गुना बढ़ सके। और एक और चीज़, अपने बाइसेप को हफ्ते में एक या दो बार ट्रेन करें, उससे ज़्यादा ट्रेन ना करें, क्योंकि आपके बाइसेप मसल्स एक छोटा मसल ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू अदर मसल। वो 24 से 36 घंटों में रिपेयर हो जाते हैं। अब जब भी कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो उसके साथ ट्रेन आपके बाइसेप भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डेडलिफ्ट में आपके बाइसेप ट्रेन होते हैं, बेंच प्रेस में और शोल्डर्स प्रेस में आपके ट्राइसेप ट्रेन होते हैं, लैट पुल डाउन में आपके फोरआर्म और बाइसेप मसल ट्रेन होते हैं। तो बाइसेप मसल एवरी एक्सरसाइज जो आप जिम में परफॉर्म करते हो डेली बेसिस पर, उसमें उनका थोड़ा बहुत रोल होता है, इसलिए उनको हफ्ते में एक बार या दो बार से ज़्यादा ट्रेन ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।